न्यूजीलैंड ने 36 सालों के बाद भारत को भारत में हरा दिया है, और हम ऐसी टीमें अपने घर में हारते नहीं है, अगर हारे हैं तो कुछ बड़ा हुआ होगा भाई। चलो फिर हम देखने वाले 5 पॉइंट्स जिसकी वजह से हम ये टेस्ट मैच हारे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो यार वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला पॉइंट, हमारी बैटिंग अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। ये मैं एक मैच से नहीं कह रहा हूँ, बट जहाँ पे बॉल सीम का होता है, स्विंग होता है, बैटिंग कोलैप्स करती है हमारी। इस मैच में हमने एक बार नहीं दो बार देखा ये चीज़ होते हुए। पहले इनिंग्स में हम 46 पे ऑल आउट हो गए, दूसरी इनिंग में भी वो एक बहुत अच्छा रन चल रहा था, जैसे ही ऋषभ पंत का विकेट गिरा या फिर कहीं नया बॉल आया, सडनली मैच बिल्कुल ही पलट गया। जैसे उनके पेसर को सीम होना, स्विंग होना स्टार्ट हुआ, हमारी बैटिंग बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। चाहे वो अश्विन हो, जडेजा हो, केएल राहुल हो, नहीं चले हैं भाई। और ये सिर्फ ये तीनों की बात नहीं है, सीम स्विंग में हमारा पूरा टॉप ऑर्डर भी फंसता है। इस इनिंग में रन बनाया जरूर है, बट टॉप ऑर्डर भी फंसता है। जो अगर खेलता है अच्छा, वो हमारा मिडिल ऑर्डर ही संभालते हुए आया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिडिल ऑर्डर भी इस बार फेल हो गया। तो वो है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी। रोहित शर्मा ने जो स्टैंडर्ड सेव करके रखा है अपने लिए कि बहुत अच्छे कैप्टन है, वी ऑल नो कि वो सिचुएशन को चेंज करना जानते हैं, बट इस मैच में वो चीज़ नहीं हुआ है। ये मुझे सेकेंड टाइम लगा कि उन्होंने जो चल रहा है चलने देते हैं, ऐसा सोच के चले हैं, जो चीज़ नहीं होना चाहिए भाई। पहला बार लगा 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में, एक बार फिर मैं कहूँगा, और यहाँ पे लगा है। 2024 वर्ल्ड कप फाइनल अब चेंजेस कर रहे थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे, बट ये दो जगह आई थिंक रोहित शर्मा की कैप्टेंसी लेट डाउन की है। ऐसे तो कैप्टेंसी बहुत खराब नहीं है, मैं इस मैच में भी वर्ल्ड कप फाइनल में भी कैप्टेंसी अच्छी है, बट उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इस मैच की बात करें तो मुझे दो जगह लगा। पहला तो टॉस वाला, जो उन्होंने खुद अग्री किया, तो उसके लिए तो बात करके फायदा है नहीं, बिकॉज अगर आप खुद अग्री करते हो, इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी गलती को अग्री कर रहे हो, मिस्टेक को मान रहे हो, इससे बड़ा कुछ कुछ नहीं है भाई। और जो सेकेंड मिस्टेक मुझे लगा वो था न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग, जब रचिन रविंद्र और टिम साउदी बैटिंग कर रहे थे, हमने फास्ट बॉलर्स लगाए ही नहीं। आई डोंट नो क्यों, बट हम स्पिन को कराते गए, वो अच्छे छक्के मारे जा रहे, चौके, स्वीप, कदमों का इस्तेमाल, हर शॉट खेल रहे, बट स्टिल बुमराह ना आसिफ अब सिराज के पास जाते, अब कुछ फील्ड लगाते, अटैकिंग फील्ड है, पूरा बिखरा देते फील्ड। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, जैसा चल रहा है चलने दो, अगर वो गलती करेंगे तब हमें विकेट मिलेगा, विच वॉज नॉट अ गुड साइन। आपको विकेट लेने के लिए जाना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए, जो चीज़ हम विराट भाई की कैप्टेंसी में देखते थे। विराट कोहली टेस्ट में क्यों इतने बड़े कप्तान थे, बिकॉज वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। अगर कुछ नहीं हो रहा है, जाके 2-3 गालियाँ दे दी, कुछ भी करो यार, उनको बैट्समैन को डिस्टर्ब करना है, जो चीज़ नहीं दिखा उस टाइम। स्पिन यूनिट में जो चिंता का विषय है वो है कुलदीप यादव। आप कहोगे कुलदीप यादव का तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है भाई, भाई नहीं हो रहा है। आप नॉर्मल मैचेस में परफॉर्मेंस देना और बड़े मैचेस में देना बहुत अलग बात है। वो इस समय विमेंस टीम का स्मृति मानदाना बना हुआ है, नॉर्मल मैचेस में तो शतक भी आ जाता है, बट जहाँ टीम को दरकार है वहाँ परफॉर्मेंस नहीं आता है। चाहे आप 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल देखो, 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट मैचेस देखो, आज का मैच देखो, विकेट्स नहीं है, और सिर्फ विकेट्स नहीं, रन भी देते हैं। आप जहाँ सोचते हो ये बंदा विकेट निकाल के देगा, वो नहीं निकाल के दे पाते हैं, और इस चीज को भारत को देखना होगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, वन फास्ट बॉलर मिसिंग। इस पिच पे एक और फास्ट बॉलर हमें चाहिए था। अब चाहे वो आकाशदीप होते तो अच्छा था, बट अगर जस्ट इमेजिन मोहम्मद शमी फिट होते, वो खेलते, भैया माहौल ही अलग बनना था। ये जो पिच था ना, इसमें स्विंग से ज्यादा बॉल सीम हो रहा था, इसी वजह से आप देखो साउदी से ज्यादा विकेट वो विलो रुक लेके गया है, जो वो पटक के बॉलिंग करता है, और वही काम मोहम्मद शमी करते, और विलो रुक से तो भैया वो 1000 गुना बेटर है ना। तो इमेजिन मोहम्मद शमी होते, मोहम्मद शमी और बुमराह एक साथ इस पिच पे बॉल डालते, अलग होना था भाई, अलग ही होना था। बट मोहम्मद शमी फिट नहीं थे तो उनकी बात नहीं करते हैं, बट आकाशदीप हो सकते थे इस मैच में, जो कि मिसिंग थे। और फास्ट बॉलिंग की बात कर ही रहे हैं तो फिर मोहम्मद सिराज की कैसे ना करें। मोहम्मद सिराज का पिछला कुछ समय अच्छा नहीं गया है,
परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जैसे स्टार्ट किया था उन्होंने करियर को, अभी थोड़ा सा डिप आया है। होपफुली बीजीटी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर से राइज कर जाए, बिकॉज वहीं से उनका डेब्यू भी हुआ था भाई लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर न्यूजीलैंड के साथ मैच हो, बारिश ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और बारिश कब आए, जब न्यूजीलैंड अच्छा हो तब ना आए, जब इंडिया अच्छा हो तब बारिश आए। बिकॉज जब न्यूजीलैंड खेल रहा था, चलो मान लो रचिन रविंद्र और साउदी खेल रहे थे, हो जाता भाई बारिश, या फिर डेवन कॉनवे जब मार रहा था तब हो जाता बारिश। नहीं भाई, तब थोड़ी होंगे हम, न्यूजीलैंड को थोड़ी हराना है हमें, हमें तो भारत के पीछे लगना है। जैसे ही सरफराज ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे, अरे बारिश आ जाओ यार। जैसे ही शाम का टाइम में ओवरकास्ट कंडीशन हुआ, अरे बारिश आ जाओ यार। जैसे ही इंडिया की बैटिंग आई, ए बादल आ जाओ यार। व्हाट द हेल ब्रो, बारिश है कि तुम्हारे चचा का लड़का जब चाह रहे हो तब बुला लेते हो यार। 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल और 2021 का WTC साला जब मनाते तब बुला लेते हैं ये। वैसे आज विराट भाई भी ड्रेसिंग रूम में पूछ रहे थे, जब 10 रन बाकी था, कह रहे भाई बारिश का कोई चांसेस है क्या? उन्होंने कहा भाई कहां से होगा, हम थोड़ी बैटिंग कर रहे हैं, न्यूजीलैंड कर रहे हैं, वो मैच जीत रहे हैं, अभी थोड़ी बारिश होगा, हम कर रहे थे हो भी जाता बारिश। तो ये था वो 5 पॉइंट जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। बट आई नो, देखो टीम हार गई है तो क्रिटिसाइज करना सही नहीं है, और ये क्रिटिसाइज नहीं था, बस हारना में वो बिलीव नहीं हो रहा कि इंडिया में हार गए ना, इस वजह से वो झटका लगा है। वो टीम जो श्रीलंका से 2-0 हार के आ रही है, वो हमें हरा दे, थोड़ा सा शॉक लगा, इसीलिए ये वीडियो है। बाकी वी नो इंडियन टीम कम बैक करेगी, हम 2-2 मैच जीतने वाले हैं, सीरीज हम ही जीतेंगे, ये तो यकीन है, बिलीव है, कॉन्फिडेंस है टीम पे कि ये सीरीज न्यूजीलैंड नहीं जीत रहा, हम अगले दोनों मैचेस जीतने वाले हैं। और अगर हम पहला मैच हार गए तब तो डेफिनेटली सीरीज जीतने वाले हैं, वहां से हम सीरीज हार जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चाहे हार हो चाहे जीत हो, ऑलवेज विद टीम इंडिया, वी ब्लीड इन ब्लू, ऑलवेज सपोर्ट द ब्लूज। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, तो तब तक के लिए जय माता दी।